गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम 11th क्लास का लेसन संवाद है जो पढ़ रहे हैं पिछले 2-3 वीडियो से। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन, नवीन राज्यों की मांग कैसे की जाती है, नवीन राज्य जो है वो किस प्रकार से भारत में बने हैं और बनते रहेंगे, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल की भूमिका किस प्रकार उसमें महत्वपूर्ण हो जाती है, इसके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति की भूमिका, जब राज्यपाल का शासन, राष्ट्रपति का शासन लगाया जाता है तो उसमें राज्यपाल की भूमिका क्या होती है। देखिए, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 356 में इस बात का उल्लेख है कि भारत में राष्ट्रपति का शासन लगाया जा सकता है। कहाँ, कैसे राज्यों में, जिन राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, यानी कि संविधान की पालना जिस स्टेट में नहीं होती है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पहले राज्यपाल राष्ट्रपति को उस राज्य की, जिस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है, उस राज्य की जानकारी राष्ट्रपति को लिखित रूप में देता है कि यहाँ पर जो अब है वो शासन व्यवस्था क्या है, चलाना संभव नहीं है। तो ऐसे में राष्ट्रपति वहाँ पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए वहाँ पर क्या करते हैं, राष्ट्रीय आपात, सॉरी, संवैधानिक तंत्र विफल होने की घोषणा करते हैं। ये जो चीज़ें हैं, आपातकाल जब लगाया जाता है तो आपातकाल में महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इसमें राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और केंद्र में जो जिस पार्टी की सरकार होती है और जहाँ पर दूसरे स्टेट, वहाँ पर ये राजनीतिक कारणों से भी लगाया जाता है। अधिकतर जहाँ पर विपरीत सरकार होती है, ऐसे में देखकर भी लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 356 आपातकाल की घोषणा लगाया जा सकता है स्टेट में। आपातकाल में क्या होता है, आपातकाल में जिस राज्य में आपातकाल लगाया जाता है, उस राज्य की सरकार को वहाँ से बर्खास्त कर दिया जाता है, यानी कि वहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है, और वहाँ पर राष्ट्रपति उस स्टेट की जो सारी बागडोर है शासन व्यवस्था की, वो अपने हाथों में ले लेता है। इसमें राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि राज्यपाल ही क्या करता है, राज्यपाल जो है, राज्यपाल की नियुक्ति आप जानते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और ये राज्यों में केवल इसी बात के लिए की जाती है कि राज्यपाल उस राज्य में क्या करें, संविधान की पालना हो रही है नहीं हो रही है, इस बात की का ध्यान रखें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, लोक व्यवस्था जिससे आप कहते हैं, लोक व्यवस्था सही रूप से, सुचारू रूप से चल रही है नहीं चल रही है, उस देश में, सॉरी, उस राज्य में संविधान के अनुसार कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लोगों में शांति और सौहार्द्य तो है या नहीं है, उपद्रव या ऐसे कुछ दंगे या कुछ ऐसी स्थिति तो नहीं है जिससे क्या है, लोक व्यवस्था असफल हो जाए, तो ऐसे में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आपातकाल लगाने से पहले मंत्रिपरिषद में इसमें चर्चा की जाती है। राष्ट्रपति ऐसे ही नहीं लगा देते हैं कि राज्यपाल ने बोल दिया और राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी। ऐसे में मंत्रिपरिषद में जब राष्ट्रपति के पास इस प्रकार की कोई सूचना आती है, तो राष्ट्रपति सीधे मंत्रिपरिषद से इस विषय में चर्चा करते हैं, और वो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सुझाव देती है, सलाह देती है कि वो क्या करें। राष्ट्रपति उनसे सलाह परामर्श मांगता है, मंत्रिपरिषद कहती है, तभी आपातकाल की घोषणा की जाती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपातकाल राष्ट्रपति स्वयं ही लगाते हैं। आपातकाल के तहत अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, इन तीनों को छोड़कर सारे जो मौलिक अधिकार हैं वो समाप्त कर दिए जाते हैं। केवल अनुच्छेद 19 में आपको स्वतंत्रता दी जाती है, जब आपातकाल किस स्थिति में लगाया गया हो, संवैधानिक तंत्र विफल, अनुच्छेद 356 लगाया गया हो, तब अनुच्छेद 19 बरकरार रहेगा, 20 और 21 ये भी क्या है, बरकरार रहेगा। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, युद्ध की स्थिति में या ऐसी बाहरी आक्रमण की स्थिति में, तब अनुच्छेद 19 भी आपका निष्क्रिय हो जाता है। ये आपके मौलिक अधिकार निष्क्रिय नहीं होते हैं, राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति के लिखित आदेश से ये क्या होते हैं, निष्क्रिय किए जाते हैं, और मंत्रिपरिषद इसको निष्क्रिय कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समय समय पर आपने देखा होगा, अभी 2017 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था कर्नाटक में, आपको पता है कर्नाटक में वाई डी येदियुरप्पा की गवर्नमेंट थी, सरकार थी, वहाँ पर उस सरकार को बर्खास्त करके आपातकाल की घोषणा की गई थी,
फिर बाद में कुमारस्वामी को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया था, फिर वो भी सरकार नहीं चलाया गया, तो वहाँ पर 6 महीने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गई थी। इसी तरह मणिपुर में भी लगाया गया था अभी कुछ दिन पहले, आंध्र प्रदेश में भी लगाया गया था, राजस्थान में भी अब तक 3 बार राष्ट्रीय ये संवैधानिक तंत्र अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा चुका है। यूपी में सभी स्टेट में लगभग किया जा चुका है इस प्रकार अनुच्छेद 356 का प्रयोग। अनुच्छेद 356 से पहले अनुच्छेद 355 भी, इसके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 355 क्या है? अनुच्छेद 355 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य की ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है? अनुच्छेद 355 में केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वो क्या करे, सभी राज्यों में कानून व्यवस्था को बनाए रखे, वहाँ पर संविधान की पालना हो रही है या नहीं हो रही है इस बात को सुनिश्चित करें। तो ये सारी बातें अनुच्छेद 355 में की गई है। राष्ट्रपति शासन आपने समझा, राष्ट्रपति शासन किस प्रकार से लगाया जाता है, राज्यपाल की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और जब भी चुनाव होते हैं चुनाव के तुरंत बाद राज्यपाल को बुला लिया जाता है और वहाँ पर संबंधित पार्टी या जो भी अपनी पसंद के राज्यपाल को वहाँ पर भेजा जाता है। तो ये सारी बातें हैं राज्यपाल को लेकर, राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं नवीन राज्यों की मांग कैसे की जाती है, नवीन राज्य क्या है, नवीन राज्यों की मांग कैसे होती है। नवीन राज्यों की मांग किस प्रकार से होती है, नवीन राज्य जो है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इसको समझते हैं। नवीन राज्य बनने से पहले थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। जब भारत सन 1947 को स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त था, छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। इन सभी भागों को एक करके एक अखंड भारत बनाना, एक नया भारत बनाना चुनौतीपूर्ण था। तो इस कार्य को पूरा करने के लिए सरदार पटेल, वीपी मेनन जो उस समय वीपी मेनन और माउंटबेटन, इन तीनों लोगों ने भारत का एकीकरण किया। भारत को जो भारत के आप अभी राज्य देखते हैं, इन्हीं की सहयोग से भारत आज आप देखते हैं उस स्वरूप में है। सरदार पटेल की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। सरदार पटेल को यूं ही लोक पुरुष नहीं कहते हैं, इन सभी राज्यों को एक करना चुनौती था। सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए इन सभी राज्यों को एक किया और हमारे सामने जो भारत है हम देखते हैं वो इन्हीं की बदौलत है। वीपी मेनन जो थे ये उस समय रक्षा गृह मंत्रालय के सचिव थे और सरदार पटेल गृह मंत्री थे उस समय भारत के। माउंटबेटन ये उस समय भारत के वायसराय थे, वायसराय मतलब राष्ट्रपति की तरह थे। राष्ट्रपति जब हमारा संविधान लागू हुआ तो इस पद को समाप्त कर दिया गया 1950 से ये पद समाप्त हो गया वायसराय का और 1950 से राष्ट्रपति का पद सृजन किया गया। राष्ट्रपति और वायसराय दोनों का एक ही बात है, स्वतंत्रता से पहले हम वायसराय कहा करते थे, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रपति इस पद का प्रयोग नाम परिवर्तन कर दिया गया है। इन तीनों की सूझबूझ से नए राज्यों का निर्माण किया गया, नए भारत बन गया, नया भारत हो गया, सब कुछ हो गया, संविधान लागू हो गया। लेकिन ऐसे में एक बार 1953 में भारत में नए राज्य की मांग उठने लगी, नए राज्य की मांग उठने लगी यानी कि स्वतंत्रता के कुछ समय बाद ही। तो ऐसे में सरदार उस समय देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने एक समिति बनाई, जे वी पी समिति जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन और सरदार पटेल, इनकी एक समिति बनाई गई थी सरदार पटेल की अध्यक्षता में। इस समिति का ये काम था कि ये भारत में चेक करे, ये जांच करे, ये देखे कि भारत में जो राज्य की मांग उठ रही है नए राज्य बनाने की, उसका आधार क्या है, क्या उनका आधार भाषा है, भाषा के आधार पर नए राज्य बनाना उचित है या नहीं, इसकी आप क्या करें, जाँच करें। ये समिति बनाई गई थी 1953 में। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी एक साल बाद और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नए राज्यों का गठन जो है वो भाषा के आधार पर करना गलत है, भारत में भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए, ये कौन सा क्या है, अनुचित है। सरदार पटेल इस समिति की सिफारिशों को माना नहीं गया था, यानी कि सुझाव दिया था। कुछ समय बाद यानी कि जब आंध्र प्रदेश मद्रास में आंदोलन चल रहा था
नए राज्यों को लेकर, एक तरफ आंध्र प्रदेश को लेकर और कर्नाटक इसको तमिलनाडु को लेकर, दोनों को अलग होने की बात चल रही थी। महाराष्ट्र नक्शे में आप देखते हो इस जगह पड़ता है इस तरह से आप, तो दो राज्य नए राज्य की मांग हो रही थी उस समय, यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात हो रही थी। तमिलनाडु यानी आंध्र प्रदेश, तमिल बोलने वाले हैं वो किस में रहेंगे, तमिलनाडु में रहेंगे, और जो आंध्र प्रदेश उनकी जो तेलुगु लैंग्वेज है वो किस में जाएंगे, तमिलनाडु में चले जाएंगे। तो इस तरह से नए राज्य की मांग रही थी। तो उस समय आंध्र प्रदेश के एक नेता थे श्री रामलू, ये भाई साहब क्या आंदोलन कर रहे थे उस समय। जब इस समिति ने रिपोर्ट दे पेश की तो उसी दिन से ये भूख हड़ताल पर बैठ गए और 13 दिनों तक इन्होंने भूख हड़ताल की, 13-14 दिनों तक भूखे रहे। सरकार की ओर से इनसे कोई पूछने नहीं आया, तो ऐसे में इनकी मृत्यु हो जाती है, आंदोलन के दौरान। तो उस समय आंध्र प्रदेश में आंदोलन और उग्र हो जाता है। मजबूरन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नए राज्य की मांग को मानना पड़ता है और 1 अक्टूबर 1953 में एक नए राज्य का भारत में पहली बार गठन किया गया और वो राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नया बना 1 अक्टूबर 1953 में। अब इसकी मांगों को मान लिया गया, मतलब नए राज्य का मांग हो गया, क्योंकि श्री रामलू की मृत्यु होने के बाद में आंदोलन तेज हो गया। तो लोगों ने वहाँ के लोगों ने कहा कि ये तो जवाहरलाल नेहरू जो क्या है, ये तो ऐसा प्रधानमंत्री है तो क्या डलहौजी से भी खतरनाक है। तो आंदोलन तेज होने के कारण, बढ़ती हुई हिंसा के कारण, नए राज्य की मांग को स्वीकार कर लिया गया। साथ ही साथ अब बाद में फिर भारत में कुछ समय बाद फिर से मांग उठने लगी नए राज्यों की मांग को लेकर। तो बॉम्बे में फिर अब मांग उठने लगी, बॉम्बे जो गुजरात और महाराष्ट्र को लेकर जो नए राज्य बने 1960 में। तो ऐसे में फिर से एक समिति बनाई गई जिसको आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी थी, 1955 में समिति बनाई गई थी, 56 में रिपोर्ट पेश की, 54 में की थी। उस रिपोर्ट में ये कहा कि नए राज्य जो है भारत में नहीं बनने चाहिए, ये उन्होंने फिर से ये बात दोहराई, लेकिन इसकी बातों को माना नहीं गया था। फिर एक बार फिर से हाई सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनकी अध्यक्षता में फिर से एक समिति बनाई गई थी। उस समिति ने ये अपनी रिपोर्ट में क्या कहा इसको समझते हैं। डॉक्टर फजल अली ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। इस समिति ने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी और ये कहा कि भारत में नए राज्यों का गठन किया जाना चाहिए, नए राज्य बनाना भारत में क्या है उचित है, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना उचित है। इस समिति की सिफारिशों को मान लिया गया और बॉम्बे, इस तरह से बॉम्बे का विलय किया, बॉम्बे के टुकड़े किए गए। फिर इसी तरह जो पेप्सू यानी कि पंजाब पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट, उसके भी टुकड़े किए गए, पंजाब के टुकड़े किए गए जिसमें से 3 राज्य बनाए गए थे। ये सारी बातें नए राज्य इस तरह से बने थे। पंजाब के पेप्सू के नाम से था ये पंजाब, पटियाला यानी ईस्ट पंजाब के नाम से ये स्टेट था पंजाब। इसके 3 टुकड़े किए गए थे जिसमें आप देखते हैं पंजाब एक स्टेट बना, दूसरा आप देखते हैं जो हरियाणा है हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए, हरियाणा बनाया गया, और हिमाचल प्रदेश यानी कि जो पहाड़ी इलाकों में रहने वाले उनके लिए 3 स्टेट बनाया गया था। पेप्सू नाम से स्टेट इसका नाम था, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट के नाम से था ये, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन के नाम से ये था पेप्सू जिसको आप कहते हैं। पेप्सू के टुकड़े हो गए, बॉम्बे के टुकड़े हो गए, और लास्ट जो भारत के जो टुकड़े किए गए भाषा के आधार पर वो सन 2000 में किए गए थे। सन 2000 में आप देखते हैं यूपी से जो स्टेट नया बना उसको हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड। इसी तरह बिहार से झारखंड का अलग किया गया, बिहार से झारखंड और यूपी से और एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। ये 3 स्टेट अभी नए बने हैं 2000
में, सन 2000 में। इसके बाद लास्ट जो हम देखते नए राज्य बना था वो 14 जून 2014 को बनाया गया, 3 जून 2014 को बनाया गया था, जिसको आप तेलंगाना के नाम से जानते हैं। तेलंगाना बना, उसके बाद से अभी तक भारत में नया स्टेट नहीं बना है। तो इस तरीके से आपने देखा नवीन नए राज्य कैसे बनते हैं, नवीन राज्यों की जो मांग है उसका आधार क्या है, भाषा है, लैंग्वेज, यानी कि भाषा के आधार पर। हम हिंदी बोलने वाले तो हमारे लिए अलग स्टेट होना चाहिए, हम पंजाबी बोलने वाले हैं, हम मराठी बोलने वाले हैं, हम बंगाली बोलने वाले हैं, तमिल बोलने वाले हैं, इनके लिए भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन किया गया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नए राज्यों का जो ये मांग है ये इसी तरह से भारत में होती रही है और आगे भी इस तरह से चलती रहेगी। तो आज आपने इस वीडियो में हमने जाना कि राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन में जो राज्यपाल की भूमिका है वो किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाती है, और नवीन राज्यों की मांग जो कैसे तक चलती रही है, नए राज्य जो है वो कैसे बने हैं और आगे किस तरीके से इनकी मांग होती रहती है। तो ये सारी बातें थी। राष्ट्रपति का शासन आपने पढ़ा, अनुच्छेद 356 का प्रयोग राज्यों में किया जाता है संवैधानिक तंत्र विफल होने के लिए, विफल हो जाता है। 355 के तहत राज्य का सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कर्तव्य है कि वो राज्य में क्या करें, सभी राज्यों में कानून व्यवस्था को बनाए रखें, उनकी जो सुरक्षा आंतरिक रक्षा करें उनकी, ये केंद्र सरकार का दायित्व है। तो इन्हीं का पालन करते हुए 356 का शासन का प्रयोग किया जाता है। 356 तभी भी लगाया जा सकता है जब सशस्त्र विद्रोह हो जाता है। सशस्त्र विद्रोह यानी कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर सशस्त्र विद्रोह किया जा सकता है। तो ये सारी बातें आपने इस वीडियो में जानी। तो आज आशा करते हैं आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।